नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सदन में संग्राम में। आपके साथ मैं रश्क गौरी। सदन में नेता आप चलिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत गर्मा गई है और विधानसभा में भी धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी ने जमकर हो हल्ला किया है और बीजेपी ने शून्यकाल में धान का रकबा कम करने को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, जिस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रकबे में कटौती को लेकर किसी भी तरह का निर्देश देने से ही इनकार कर दिया और जिसके बाद आसंदी ने स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसको लेकर बीजेपी विधायकों ने जमकर सदन में बवाल काटा और जिसके बाद विपक्ष के तमाम विधायकों को निलंबित कर दिया गया और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 27,23,000 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत है और 1,62,000 हेक्टेयर रकबा बड़ा है। किसानों की बोई गई फसल की पुष्टि भूइया सॉफ्टवेयर से की गई है जिसमें 1,80,00,000 कृषि भूमि में फसलों की जानकारी ऑनलाइन है और जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और डीएफओ को सीमावर्ती राज्यों से अवैध धान रोकने के दिशा निर्देश शासन के जरिए दिए गए हैं, जिसके बाद बड़ी मात्रा में धान भी जब्त किया गया है। तो वहीं कृषि उपज की स्टॉक सीमा 4 क्विंटल से बढ़ाकर 10 क्विंटल करने की घोषणा भूपेश सरकार ने की है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की सियासत के बीच किसानों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि धान की खरीदी आखिर कब और कैसे होगी, और इसी मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश सदन में संग्राम। सदन में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि धान खरीदी के रकबे को कम करने का मामला बेहद गंभीर है, जबकि बीजेपी विधायक शिवरत्न शर्मा ने कहा है कि एक उच्च अधिकारी ने सभी जिले के कलेक्टरों को धान का रकबा कम करने के निर्देश दिए हैं। तो अजय चंद्राकर ने कृषि राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर किसानों को रकबा कम करने को लेकर डराने का आरोप लगाया। इसी मसले पर भाजपा को सदन में जेसीसी, जे और बीएसपी का भी समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी घोषणा किए कि 10 क्विंटल का आप लोगों के सामने में कि उसके कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अभी भी ट्रकों में धान थाना में खड़ा हुआ है, कटौती हो रही है, बाजार में लोग धान लेके जो रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए है उसके अभाव में है और इसीलिए आज सारा ये घटनाक्रम हुआ है। हम किसानों के साथ में थे, किसानों के साथ में है और किसानों के साथ में रहेंगे कि कांग्रेस अपनी जन घोषणा पत्र को पूरा करे, उसमें हिला हवाला करेंगे तो दोबारा इसी स्थिति उत्पन्न होगी तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और ये सरकार पीछे के रास्ते से भागना चाहती है और किसानों को उन्होंने नोटिस दिया है कि यदि 30 तारीख तक अपने रकबे में कटौती नहीं करेंगे उनके खिलाफ FIR होगा। अधिकारी का निर्देश SDM को है, तहसीलदार पटवारी को टारगेट दिया गया है, उस टारगेट में कहा गया है कि जो इस टारगेट का पालन नहीं करेगा उसको खिलाफ FIR दर्ज होगा, यानी किसानों के खिलाफ FIR दर्ज होगा। ये सरकार अपने वायदे से मुकर रही है, किसानों को 1,850-1,850 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदने का आदेश सभी संग्रहण केंद्रों में, धान खरीदी केंद्रों में पहुंच चुका है। अब इसके बाद ये सरकार इतनी डरी हुई है धान खरीदने में कि ये हर अपने कलेक्टर, SP, पटवारी, तहसीलदार, कोटवार को ये आदेश दे दिए हैं कि हर किसान के धान के रकबे में कम से कम आधा एकड़, एक एकड़ काटो ताकि इस प्रदेश में कई हजार एकड़ धान का रकबा कम हो जाए। किसान विरोधी नीति का जो है विरोध किए हैं और सरकार अगर किसानी की बात को नहीं सुनता है, 2,500 रुपए क्विंटल पे धान खरीदने के आदेश नहीं देता है, रकबा कटौती को बंद नहीं करता है और किसान की धान जिसको जब्ती किया जा रहा है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो ये लड़ाई सदन के बाहर सड़क में भी लड़ेंगे। तो वहीं जब बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा शुरू किया तो कांग्रेस से सवाल उठाने शुरू कर दिए। सदन में मंत्रियों ने कहा है कि जब धान के मसले पर भाजपा को मोदी के पास जाने की सलाह दी गई तो बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम नेता आखिर भाजपा ही क्यों नहीं गए। जो वास्तविक जो रकबा है जितने में बोए हैं
उतने के तो धान खरीदेंगे। मान लो किसी के पास जमीन है 15 एकड़ और उसमें बगीचा भी है, उसमें तालाब भी है, वो पानी के नीचे भी है, बहुत सारे ऋण पुस्तिका में इस प्रकार से रहता है। तो वो जो तालाब है, बगीचा है, पानी के नीचे है, पड़त है या दूसरी कोई फसल लिए हुए हैं, तो उसका धान तो नहीं खरीदा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को चेहरा छुपाने का अब कारण ढूंढना है। डॉक्टर रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जी धान में अपनी बात कह रहे थे, लेकिन पूरे प्रदेश के किसानों को ये जानने का हक है कि आपने 300 रुपया की घोषणा किया था, पूरे 5 साल क्यों नहीं दे पाए? आपने 2100 रुपया समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी, आप क्यों नहीं दे पाए? इसमें किसी को भी, कलेक्टर को या राजस्व अधिकारी को, निर्देशित नहीं किया गया है कि रकबे में कमी करना है। वास्तविक जो खेती हुई है उसमें गिरदवाली के अनुसार मिलान करना है और उसके अनुसार धान का खरीदी होगा, ताकि पड़ोसी राज्यों से जो धान खपाने का लोगों का कोशिश है उसको रोका जा सके और छत्तीसगढ़ के वास्तविक किसानों को इसका लाभ दिया जा सके। तो रकबा कम करने के निर्देश को लेकर हल्ला किया गया है बीजेपी की तरफ से, और वहीं सरकार का कहना है कि अन्य राज्यों से धान को खपाने की कोशिश की जा रही है, उसी को रोकने की कोशिश यहां पे की गई है। वास्तविक रकबे में जितनी धान की बोई की गई है, जितना धान उगाया गया है उतना ही खरीदा जाएगा, अन्यथा दूसरे राज्यों से खपाने की कोशिश हर साल की जाती है। तो वहीं बीजेपी के वार पे सरकार के तमाम मंत्रियों ने पलटवार करते हुए कहा है कि जब भाई डॉक्टर रमन सिंह 15 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 2100 रुपये समर्थन मूल्य की बात की गई तो आखिर क्यों नहीं दिया गया, और जब भाजपाइयों से कहा गया कि आइए किसानों के हक में सबके साथ मिलकर चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हैं, तो क्यों नहीं गए? तो वहीं बीजेपी का कहना है कि सिर्फ किसानों को छला जा रहा है। तो धान खरीदी को लेकर न केवल शुरू से ही संग्राम मचा हुआ है, बल्कि अब तो धान के रकबे पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में एक बेहद ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। तारुफ आपका, आइए आपको करवा देते हैं। बृहस्पति सिंह, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बृहस्पति साहब, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। केशव चंद्र, आप बीएसपी विधायक हैं। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका। शिवरत्न शर्मा, बीजेपी विधायक। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपके ही पास आना चाहूंगी बृहस्पति जी, कि भाई इतना हो हल्ला क्यों? जिस तरह से जो सदन में हम देख रहे हैं, विपक्ष लगातार वार पे वार किया जा रहा है, इसको लेके आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भी 15 साल में तो कुछ किया नहीं है, अब जब हम कर रहे हैं तो विपक्ष रोड़ा अटका रहा है। देखिए, इनको जनता ने मौका दिया था और 15 साल का मौका दिया था, और इन लोगों ने कमिटमेंट भी किया है कि हम 2100 धान का कीमत देंगे, 300 बोनस दिया नहीं। और अगर हमने अगर पिछले साल भी हम लोगों ने कमेंट किया था 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदा, और इस साल भी 2500 रुपये क्विंटल किसान के पास जाएगा, चाहे केंद्रीय जवाब कितना दबाव डाले, भाजपा के लोग जो बोले, जनता से जो कांग्रेस की सरकार बोली है वो करती है और करके देगी। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जनता से आपने जो तमाम वायदे किए हैं उनको आप पूरा करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है बृहस्पति जी कि आप कह रहे हैं कि आप तो वादा पूरा करेंगे, लेकिन कैसे? किसानों को तो चिंता होने लगी है कि भाई धान भी नहीं खरीदी जा रही है, और जो मजदूरों ने काम किया उनको भी दिहाड़ी देना है, और अब जो व्यापारी, जो क्षेत्रीय व्यापारी हैं, वो भी गल्ला लेने से इनकार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करे भाई? व्यापारी ले न ले, सरकार 2500 रुपये क्विंटल धान का दाम किसानों को देगी।
केंद्र सरकार अड़चन डाल रही है कि 2500 खरीदेंगे तो हम आपका चावल नहीं उठाएंगे। अगर कानूनी अड़चन आता है तो भले सरकार ने और केंद्र सरकार निर्धारित करे उस रेट में उनको हम बोर्ड लगाएंगे या उस रेट में एक बार खाते में डालेंगे, शेष बचत की राशि दूसरे मत से हम दूसरे व्यवस्था करके हम उनके खाते में देंगे और उनको 2500 के 2500 करेंगे। ये बड़े विपक्ष के इस बात में हताश है कि पिछले साल भी 2500 इन्होंने दिया, इस साल भी 2500 दे रहे हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति का राशन कार्ड भी बनाना चालू कर दिए हैं, सभी का राशन कार्ड चावल का बन रहा है सस्ते दर का। ये सारी योजनाएं लागू होने से विपक्ष बौखला गया है, कोई खुदे नहीं मुद्दे नहीं मिल पा रहे, इसे देखते हुए बाजी कर रहे हैं और यहाँ तक की प्रश्नोत्तरी के समय भी जवाबदारी कर रहे हैं। सुब्रत शर्मा जी, क्यों बौखलाए हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? पिछले साल 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे दिया, इस साल भी दे रहे हैं, भाई क्या दिक्कत है? एक तो आप सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरा नहीं बृहस्पति जी का आरोप है। ना हम बौखलाए हैं ना हम परेशान हैं, हम तो खाली कांग्रेस को उसके जन घोषणा पत्र की याद दिला रहे हैं। आपने कहा था कि हम 2500 रुपए क्विंटल किसान को धान की कीमत देंगे और शासन ने आदेश निकाला है, उस आदेश में 1815 और 1835 में धान खरीदने की बात की गई और अब आप कह रहे हैं कि हम इसके लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाएंगे, फिर कह रहे हैं कि केंद्र हमको सहयोग नहीं कर रहा है, केंद्र हमारा चावल नहीं खरीद रहा है। अरे केंद्र ने तो डॉक्टर रमन सिंह के पीरियड में लिख दिया था कि धान के समर्थन मूल्य पे जो सरकार बोनस देगी उसको उसका चावल हम नहीं खरीदेंगे, तो नया आदेश नहीं है, ये आदेश पुराना आदेश है। आपको जन घोषणा पत्र आपने मतलब जारी केंद्र किया, उस पर केंद्र में भी शिवरत्न शर्मा जी, शिवरत्न शर्मा जी सुनिए ना, शिवरत्न शर्मा जी 2014 का जिक्र आप कर रहे हैं, शिवरत्न शर्मा जी 2014 का जिक्र आप कर रहे हैं और 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई थी, यानी कि आपकी राज्य सरकार ने केंद्रीय जो बीजेपी सरकार है उससे ही कहा था और उसने मना कर दिया। आप तो यहाँ पे ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य और केंद्र सरकार, तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही किसान विरोधी है। फिर तो देखिए, किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये तो आप खुद बोल रहे हैं ना सर, कि उस वक्त भी मोदी सरकार ने मना कर दिया है, इस वक्त भी मना कर दिया है। आप गौरी जी, आप मेरी बात सुनिए ना जी, बोलिए। केंद्र ने मना इसलिए किया है कि केंद्र ये चाहता है कि धान का समर्थन मूल्य पूरे देश में एक समान रहे, कहीं 2500 में बिके और कहीं 1700 में बिके, ये उचित नहीं है। इसलिए केंद्र ने एक पॉलिसी पूरे देश के लिए बनाई कि समर्थन मूल्य पे जो बोनस देगा उस धान पर नहीं खरीदेंगे। सरकार खाली छत्तीसगढ़ की सरकार थोड़ी है, वो भारत सरकार है, पूरे प्रांतों में पूरे किसानों के लिए एक साथ करना पड़ेगा। कल महाराष्ट्र की सरकार कहेगी हम 3000 रुपए में खरीद रहे हैं, झारखंड की सरकार कहेगी हम 4000 में खरीद रहेंगे, तो केंद्र सरकार सबको सहयोग थोड़ी कर सकती है। तो केंद्र की जो पॉलिसी बनती है वो पूरे देश के लिए एक समान बनती है। और माननीय भूपेंद्र बघेल जी ने, उनकी पार्टी ने जन घोषणा पत्र में जब घोषणा की तो क्या मोदी से पूछ के घोषणा की थी क्या कि आप चावल खरीदोगे तो हमारे किसान को 2500 कीमत देंगे? लेकिन जितना कोटा राज्य सरकारों का होता है उतना कोटा तो केंद्र सरकार को ले लेना चाहिए ना। और सेंट्रल को जितना चावल चाहिए उतना चावल सेंट्रल ले चुका है। सेंट्रल ने जो पत्र लिखा है उसमें क्लियर लिखा है कि पूरे देश में चावल का बफर स्टॉक है, चावल का केंद्र की सरकार सड़ाने के लिए खरीदेगी क्या? एक्सपोर्ट कीजिए सर, कुछ तो करना पड़ेगा किसानों के लिए, एक्सपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट किया जा सकता है अगर दूसरी चीजें अगर दूसरे शहरों से तो एक्सपोर्ट भी की जा सकती है सर, एक्सपोर्ट कीजिए। भारत हमारे देश का चावल इस लायक नहीं है कि एक्सपोर्ट किया जा सके, क्या देश का चावल इस लायक नहीं है कि एक्सपोर्ट किया जा सके? और जितना कोटा एक राज्य का होता है उस कोटे के हिसाब से तो केंद्र सरकार को भी धान खरीदना ही होगा। केशव चंद्रा जी, यहाँ पे किसानों का मुद्दा बेहद बेहद आती हूँ मैं, आती हूँ आपके पास, बृहस्पति जी आपके पास भी आती हूँ सर, केंद्रीय पुल के तहत हमारी केशव चंद्रा जी का रिएक्शन ले लो, किसानों के साथ न्याय करने वाला नहीं है, सब जगह प्रोडक्शन। चंद्रा जी आपको मेरी आवाज सुनाई, आपका रिएक्शन चाहूंगी। चंद्रा जी यहाँ तो रुकने वाले नहीं है ना, शर्मा जी रुकेंगे ना ही बृहस्पति जी रुकेंगे, आपका रिएक्शन चाहिए जी। ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार है इसकी कथनी और करनी में अंतर है। आज ये मीडिया के सामने तो बोल रहे हैं कि हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे, लेकिन आदेश 1815 रुपए का दे रहे हैं। दूसरी तरफ किसान को परेशान करने के लिए छोटे छोटे 10 किलो 20 किलो 50 किलो जो धान बेच रहे हैं, जो हमारी परंपरा रहा है, बाजार जाते हैं, हाट जाते हैं और वो धान को बेच करके सामान खरीदते हैं, उसको जब्ती बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो पंजीयन हुआ है
पंजीयन इन्हीं के अधिकारी लोग किए, राजस्व विभाग किया, खाद्य विभाग किए, सेवा सहकारी समिति के लोग मिल करके किए, तो पंजीयन यही लोग किए। लेकिन पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो है अधिकारियों को निर्देश देकर के, तहसीलदार कलेक्टर को निर्देश देकर के जो पंजीयन हुआ है उसमें भयानक कटौती की जा रही है। दूसरे तरफ बोल रहे हैं कि जो धान नहीं लगा है उसको हम काट रहे हैं, वास्तविक रकबा को काट रहे हैं। तो क्या पहले पंजीयन वास्तविक रकबा पे नहीं हुआ था? मतलब पहले पंजीयन जो अधिकारी किए थे वो गलत किए थे। तो ये इनकी जो नीति है, कम से कम धान खरीदना पड़े, किसान लोगों को हम जो वादा किए हैं उसको खाली दिखा दें, इतनी बस है नियत। ठीक है बृहस्पति जी, क्यों रीति नीति में फर्क है भाई? यहाँ पे शिवरत्न शर्मा जी भी तो सही कह रहे हैं ना कि क्या मोदी जी से पूछ के आप लोगों ने घोषणा की थी? भाई घोषणा करते वक्त तो आपके तत्कालीन सुन तो लीजिए शिवरत्न, माफ कीजिएगा बृहस्पति जी, सुन लीजिए आप मेरी बात। क्या मोदी जी से तो आपने पूछा नहीं था? उस वक्त तो आपके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी थे जिन्होंने घोषणा की थी। अब भाई इम्प्लीमेंट कीजिए ना। और जिस तरह से यहाँ पे चंद्रा जी कह रहे हैं उनकी बात भी सही है। जी 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 क्या हो गया आपको? आवाज मिल रही है मेरी? चंद्रा जी अगर आपको मेरी आवाज मिली हो तो आप, मैं चाहूंगी कि आप बृहस्पति जी को बताइए कि जिस तरह से उन्होंने, जी जी जी, तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए हम लोगों ने किसान से जो वादा किया है निभाएंगे, और हर हालत में किसानों के पास 2500 रुपए क्विंटल के दाम से पैसा उनको मिलेगा, इसके लिए कांग्रेस कटिबद्ध है और करेगी। सवाल इस बात का है कि हम तो चावल सरकार से कह रहे हैं कि चावल हमारा खरीदिए आप, हमने जो रेट आप सबको दे रहे वो दीजिए, अगर आप देंगे तो ठीक, नहीं देंगे, पिछले बार भी हमने खरीदा है, हम इस साल भी खरीदेंगे, भले हम 1800 रुपया, अगर केंद्र सरकार दबाव डाल रही है कि आपके खरीदी केंद्र में बोर्ड 1835 का ही लगा होना चाहिए तभी हम चावल खरीदेंगे, तो अगर 1835 ही अगर बोर्ड लगवाने में इनको शौक है तो भी हम लगा देंगे, लेकिन जो शेष राशि है, शेष राशि जो किसानों को बचता है वो भी हम किसानों को देंगे ही, किसी भी कीमत 2500 से कम नहीं देंगे। विपक्ष के साथ ही इस बात में बयान है, मैडम सुन लीजिए, सुन लीजिए मैडम, विपक्ष के साथ ही इसलिए परेशान है कि जितने राइस मिलर हैं डीओ से धान खरीदी की सरकार ने की, डीओ में धान खरीदी और बिक्री हुई, मक्के और दूसरे फसल लगे थे उसको भी बेचने काम किया, और इस साल हमने एक एक खाते का, एक एक जमीन का गिरदावली करके फोटोग्राफ सहित बुलवाए कि कितने धान के किसान लगाए, जो किसान का है वो एक्चुअली वो खरीदी होगा, कोई दुनिया की ताकत किसान का धान निवेश को खरीदने से नहीं रोक सकता, जितना भी इनको अफवाह उड़ा दे उड़ा ले, सच्चाई सामने आएगा, और ये छत्तीसगढ़ में किसानों की सरकार है और किसानों का धान 2500 रुपए क्विंटल हर हालत में खरीदा जाएगा। अच्छा जो शेष राशि बचेगी उसको जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बोनस के तौर पर दिया जाएगा, उसका क्या टाइम पीरियड रहेगा बृहस्पति जी? कब देंगे आप? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कब देंगे वो राशि किसानों के खाते में जाएगी? वो हम अनुपूरक में भी लाए हैं और पूरा बजट में भी हम लाएंगे, हर हालत में किसानों को हम शेष बचत की राशि भी भुगतान करेंगे। ठीक है, किसानों के पैकेज में 2500 रुपए राज्य सरकार तैयार है, और 1835 पे अगर केंद्र सरकार, अगर राज्य सरकार से धान खरीद लेती है और जितना छत्तीसगढ़ राज्य का कोटा है उतना धान खरीद लेती है, तो केंद्र को क्या दिक्कत है? आप लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। देखिए ये सरकार किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। खा करके इन्हें सबल खा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरकार धोखा दे रही है, नहीं धोखा दे रही है, जनता देख रही है सर। किसान का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ, गंगा जल उठा के कहा कि 2500 रुपए कीमत देंगे, अब आप ये लगाएंगे बोर्ड कि हम 1815 1835 में खरीद रहे हैं, तो क्या केंद्र की सरकार को ये आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं क्या? सीधी बात यह है कि आपके घोषणा पत्र में आपने 2500 रुपए में धान खरीदने की बात की है, आपको 2500 रुपए किसान को एक साथ धान की कीमत देना चाहिए, ये आपकी नैतिक जवाबदारी है। ये सरकार किसानों को 15 साल सरकार रही लेकिन समर्थन मूल्य नहीं दिया गया। शिवरत्न शर्मा जी, नहीं दिया गया केंद्र में, केंद्र में आप ही की सरकार थी सर, केंद्र में आप ही की सरकार थी, क्या बात कर रहे हैं सर? इतना कौन प्रोडक्ट हो सकता है? चंद्रा जी कीमत 1400 बोनस
राजनेता है, एक श्रेष्ठ का आप भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या लगता है थोड़ा राज्य सरकार को झुकना चाहिए और थोड़ा केंद्र सरकार को भी झुकना चाहिए, तब कहीं जाके तो हम दिक्कतों का जो समाधान कर पाएंगे, या तो फिर स्थिति ऐसे ही निर्मित रहेगी, सदन ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा और जनहित के मुद्दे कभी सदन में नहीं उठाए जाएंगे। फिर ऐसा गौरी जी, अगर केंद्र से सहयोग चाहिए, मेरा तो सवाल केंद्र से आपको निवेदन की भाषा में बात करना चाहिए। माननीय कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष बोलते हैं कि हम केंद्र की आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, इनकी सरकार का मंत्री बोलता है कि हम कोयला रोक देंगे, तो आप मांगने भी जा रहे हो और धमकी भी दे रहे हो, तो दोनों बातें एक साथ नहीं चलती। ठीक है, चंद्रा जी आपका रिएक्शन। छत्तीसगढ़ के किसान इनको माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ का किसान धान बुनाई भी करना जानता है और धान कटाई भी करता है, और छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान बोया भी 15 साल के लिए और 15 साल में काट के और उसको 15 सीटों में लाके सिमट दिए 14 सीटों पे। ये छत्तीसगढ़ के किसान हरी जाति आता है और इनको धान काटा भी और बोया भी, बोया और काट के फिर इनको वापस 15 सीटें कर दिया है। चंद्रा जी जी, 15 साल धान बोया किसानों ने, जब उनको बोनस नहीं मिला, उनको फायदा नहीं दिखा, तो उन्होंने बीजेपी को 15 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया। देखिए ये दोनों सरकार जो है वास्तव में किसान का हित नहीं चाहते, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि सरकार केंद्र में है एक राज्य में है, और यहाँ जो है पीसी जा रही है किसान। हमारा तो ये कहना है कि भाई आपने घोषणा किया 2500 रुपए का, आप लीजिए, आपको क्या करना है नहीं करना है, दिल्ली जाना है, केंद्र सरकार से लड़ना है, कहाँ कहाँ लड़ना है, क्या नीति बनाना है। अब इनकी सरकार की नियत देखिए, इन्होंने अभी जब सदन चालू हुआ तो मंत्रिमंडल का उपसमिति बनाया, अब पहले क्यों उपसमिति नहीं बनाए? गिरदवाली कब हुआ? अब गिरदवाली के आधार पे चार दिन पहले जो है ये रकबा को काट रहे हैं। जिस दिन गिरदवाली हुआ उस दिन आप क्यों रकबा को नहीं काटे? आप अक्टूबर महीने तक जो है पंजीयन करते रहे, उसके बाद 7 दिन और समय दिए, और जैसे ही पंजीयन समाप्त हो उसके बाद आपने काटना शुरू कर दिया। तो ये इनकी नियत जो है कम से कम धान खरीदना पड़े, किसान अधिक से अधिक परेशान हो, जीवन यापन करें, अपने धान को भी मत बेच पाए, ये इनकी नियत है। ठीक, बृहस्पति जी जवाब दीजिए। देखिए नियत बिल्कुल साफ है, और अभी भी हमारी ऑनलाइन खुले हैं, अगर कोई मक्के की खेती को धान चढ़ा लिया है तो उसका माइनस होगा, अगर धान की खेती कम हो गया, अगर गड़बड़ कर्मचारियों ने किया है तो उसको हम जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, लगातार हमारी चल रही है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान का हर हालत में 2500 रुपया क्विंटल किसान के पॉकेट में पैसा जाएगा, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता, चाहे मोदी जी हमको पैसा दे या न दे, हमारा धान खरीदे या न खरीदे, लेकिन 2500 के हिसाब से हम हर हालत में किसानों को धान का पैसा देंगे। तो क्या बृहस्पति जी, जब केंद्र सरकार धान नहीं खरीदेगी तो कर्जा लेके 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाएगी? फिर से राज्य सरकार क्या कर्जा लेगी? हम बोर्ड लगाएंगे चुप, इनका 1835 का 1635 जो सरकार बोलेगा वही शेष पैसा। हम अगर गुलछर्रा उड़ाने के लिए नहीं, किसानों की भलाई के लिए अगर हमको लेना पड़ेगा बैंक से लोन, क्योंकि हम अगर कर्जा लेके भी लगाएंगे किसान को पैसा देंगे, वही किसान का पैसा मार्केट में जाएगा, बैंक में दब जाएगा, हिंदुस्तान मंदी से गुजर रहा है, फिर भी छत्तीसगढ़ का देख लिया हर चीज का बहुत अच्छा रहा। ठीक है, वही निर्मला सीतारमण कह रही है कि जिस तरह से देश में विपक्ष ने मंदी को लेकर जो हवा बनाई है, मंदी जैसी कोई भी चीज देश में नहीं है, ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी बोल रही हैं। शिवरत्न शर्मा जी, बृहस्पति जी की बात का जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, ये सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि किसान का कम से कम धान खरीदना पड़े। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टरों को निर्देश दिया, एक टारगेट दिया कि हर जिले में इतने हेक्टेयर धान की खरीदी कम करने के लिए आप रकबा कम करो, और 27 तारीख तक 47,000 हेक्टेयर रकबा कम कर किया जा चुका है, और 30 तारीख तक इनका 3,00,000 हेक्टेयर रकबा कम करने का टारगेट है। और ये बातें अधिकारियों के सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप में चली है, आप बोलेंगे तो मैं इनके व्हाट्सएप ग्रुप की सरकार नहीं चलता है, दूसरे राज्यों से जो धान खपाने की कोशिश की जा रही है उस पे लगाम कसने की ये कवायद है।
देखिए 1,66,000 क्विंटल धान जब से राज्य से और मैं दावे के साथ राज्य से धान लाके ये तो आप भी बर्दाश्त हुई है। आप लोग भी इसी तरह के प्रबंध किया करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। चंद्रा जी, चंद्रा जी आपका रिएक्शन बहुत क्विकली, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है, बहुत संक्षेप में चंद्रा जी। देखिए ऐसा भले सरकार कुछ भी बोले, ये जितने धान जब्ती कर रहे हैं कोई बाहर राज्य का नहीं है। और आप प्रूफ बता दूंगा, सबूत दे दूंगा, तो बाहर राज्य में हुए हैं क्यों नहीं कर रहा है? उत्तर प्रदेश में 6,000 तो हमारे मुद्दे भी बदल जाते हैं। ठीक उसी तरह जब बीजेपी सरकार में थी तो उसके मुद्दे को छोड़ के और तब उसकी कथनी कभी कुछ और हुआ करती थी, और जब विपक्ष जब कांग्रेस की उसकी कथनी कभी कुछ और हुआ करती थी। आज दोनों ही पार्टियों का एक्सचेंज हो चुका है, जो विपक्ष में थे वो अब सत्ता में है और जो सत्ता में थे वो विपक्ष में है, तो दोनों की ही कथनी करनी में अब बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पे राजनीतिक लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ आम जनता के साथ सिर्फ किसान पिस रहा है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए शिवरत्न शर्मा जी, आपका भी, चंद्रा जी आपका भी, और बृहस्पति जी आपका भी। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत गर्मा गई है, देखने वाली बात यह है कि किस तरह से इस सियासत पर विराम लगता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।